हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज फिर से आ गए आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने और उनके प्यारे प्यारे जवाब देने। तो सबसे पहला कमेंट आज मैं ही पढ़ने जा रही हूँ। तो पहला कमेंट है आशीष सिंह का, जो कि लिख रहे हैं, आप लोग हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, आप लोग हमेशा हंसते रहो, ये हमारी दुआ है। भगवान से आप लोग हमेशा खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच आशीष। तो थैंक यू सो मच आशीष, आप लोग इतनी ब्लेसिंग देते हो, इतना प्यार देते हो, थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है मोनिका बिश्नोई का, दी जो कपड़े जाते हैं उन्हें चेयर पर उतारकर अंदर रख लिया करो ताकि ओस में गीले ना हो, फिर नेक्स्ट डे डाल दिया करो, सूख जाएंगे। तो गाइस आज ही ना हम ना वो ले आए कपड़ों वाला स्टैंड ले आए, तो हम लोगों ने क्या किया, जितने भी कपड़े थे ना कपड़ों वाले स्टैंड में डाल दिया और रूम में पंखा चला के रूम को बंद कर दिया ताकि जो कपड़े है ना ओस में गीले ना हो। और कल से जो हमारे कपड़े हैं हम ऐसे ही करेंगे, सुबह बाहर सुखा के शाम को उसे पंखे में लगाकर फिर अगले दिन वो सूख जाएंगे तो लपेट के रख देंगे। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर जुनेद खान का, मेकअप की बहुत अच्छी ट्रिक दी आपने पायल, मेरा हमेशा क्रैक हो जाता था बट आज मैंने आपकी ट्रिक यूज की, बिलीव मी बहुत अच्छा लग रहा है फेस, थैंक फॉर ट्रिक पायल। तो ये जो कमेंट है ना मैंने आज अपने व्लॉग में पढ़ा था, तो थैंक यू सो मच जुनेद खान जी, आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी। और ये जो ट्रिक है ना पायल की, मिसेस जुनेद खान, ये ट्रिक मैंने भी अपनाई थी, मतलब कि ऑयल को हाथ में डाल के पाम में थोड़ा सा वार्म करा फिर फेस पे लगाया तो बहुत अच्छा बेस बना था उस दिन। ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया, एक ट्रिक पायल आपको और देगी कॉम्पैक्ट वाली, ये पाउडर वाली, तो वो बता दे ट्रिक। वो ये है गाइस, जब आपका बेस हो जाता है ना, बेस होने के बाद हर कोई करता है, वैसे मैं आपको नया नहीं बता रही हूँ, हर कोई करता है। अगर आप नहीं भी करते हो ना तो आप भी किया करो। आपने काफी टाइम पहले देखा होगा या पहले आपने देखा होगा मेरे ना यहाँ पे ऐसे लाइंस आ जाती थी, क्रैक्स आ जाते थे यहाँ पे, तो वो इसलिए आती है क्योंकि मैं ना बेक नहीं करती थी, फाउंडेशन लगा के छोड़ देती थी, उसे लॉक नहीं करती थी। फाउंडेशन को हमेशा ना लॉक करना पड़ता है, तो लॉक करने के लिए आप बेकिंग पाउडर, बनाना पाउडर या फिर आप कॉम्पैक्ट, ये तीनों चीजें यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद ना आपका एक तो बेस जो है वो फटेगा नहीं, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, मतलब अगर आपको काफी टाइम के लिए मेकअप रखना है, शादी में जाना है, कहीं जाना है, तो ये जो है अपने मेकअप में ऐड कर लेना। नेक्स्ट कमेंट है फैजल भाटी का, आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं सुबह उठते ही आपका व्लॉग देखता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, गॉड आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। तो थैंक यू सो मच फैजल भाटी की, आप हमारा व्लॉग सुबह उठते ही देखते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं और पायल एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि व्लॉग ना बनाए, हमारी तबीयत ठीक हो ना हो, पर दोनों होते हैं तो एक दूसरे का साथ मिल जाता है ब्लॉग का, क्योंकि पता है कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली हमारे ब्लॉग का वेट कर रही है। नेक्स्ट कमेंट है करुणा खुशवा का, पायल आपसे एक बात बोलनी थी कि रात को कपड़े कभी भी बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि रात को नेगेटिव एनर्जी कपड़ों में घुस जाती है, और आप लोग वैसे भी प्रेग्नेंट हो तो प्लीज अवॉइड कीजिए कि रात में कपड़े बाहर ना छोड़े। तो बिल्कुल कल के व्लॉग्स में ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कपड़ों को लेके, आज ही हमने जैसे सुबह हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, गाइस आप लोग जितने भी कमेंट करते हो ना हम लोग सारे कमेंट पढ़ते हैं, तो हमने जैसे कमेंट पढ़ा ना कि बाहर कपड़े ना रखो तुम, तो हमने तुरंत ही आज के व्लॉग, मतलब आप कल के व्लॉग में देखेंगे, ऐसा आज के व्लॉग में, कल के व्लॉग में देखेंगे कि हम कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड ले आए हैं और हमने रात को बिल्कुल भी कपड़े बाहर नहीं छोड़े, अब से हम चाहे बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, कपड़े अंदर रखेंगे। नेक्स्ट कमेंट है सलोनी सिंह का, मैम आपने हेयर केयर टिप्स शेयर करो प्लीज प्लीज प्लीज। हेयर केयर की जो टिप्स है ना ये वो है जो पायल की मैं भी आ रही हूँ कि हम ना ऑयलिंग करते हैं बहुत ज्यादा, और जितना हो सकता है पायल ये बोलती है कि ड्रायर मत यूज करो, क्योंकि ड्रायर से क्या होता है कि बाल ना बहुत ज्यादा रफ रफ लगते हैं। तो मैं और पायल तो यही करते हैं कि हम लोग ऑयलिंग अच्छे से करते हैं, और जब भी हेड वॉश करते हैं तो हम यही ट्राई करते हैं कि ड्रायर यूज ना करें, नेचुरली बालों को सूखने दिया करें। नेक्स्ट कमेंट है राकेश वर्मा का, अरमान भाई का न्यू सॉन्ग कब आ रहा है, पायल भाभी जी आप भी कोई सॉन्ग करो जल्दी से जल्दी, आपके सॉन्ग का बहुत इंतजार रहता है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है ना वो नंबर वन रिकॉर्ड्स पे 7 तारीख को आ रहा है, 7 जनवरी को, और वो गाना बहुत ही जबरदस्त है, और मतलब कि चीकू के पापा ने उनका जो पोस्टर है वो भी डाला है, तो आप लोग नंबर वन रिकॉर्ड्स को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि उसपे बहुत सारे गाने हैं जो कि आने वाले। एक गाना और आ रहा है जिसमें पायल है, चीकू के पापा है, लक्ष्य है, वो एक हरियाणवी सॉन्ग है जैसे था नाचूंगी डीजे पर, कुछ ऐसा ही सॉन्ग है, हरियाणवी डांस सॉन्ग है, तो वो भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। नेक्स्ट कमेंट है पायल मोहंती का, लास्ट में चीकू एकदम एक डॉल की तरह दिख रहा था, कोई व्लॉग होगा जिसमें चीकू डॉल की तरह दिख रहा होगा, कल छोटी बनाई थी चीकू की
पता नहीं गाइस आप कौन सी उसके लिए बोल रहे हैं, पर अगर आप बोल रहे हो तो जरूर लग रहा होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है रोहताश राणा का, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन प्लीज बताओ। मैं और पायल दोनों वेजिटेरियन है। मैं और पायल मतलब कि ऐसे वाले वेजिटेरियन है कि हम अंडा खा लेते हैं, ऑमलेट खा लेती हूँ, एग्स भी खा लेती हूँ, बट नॉन वेज नहीं खाते, चिकन मटन ये सब नहीं खाते। तो बाकी चीकू के पापा और चीकू है वो नॉन वेजिटेरियन है, वो दोनों चीजें खाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टी चौधरी का, आपने सही बोला कि गरीबी सब सिखा देती है अपने आप। ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने बोला था। हर एक वक्त मतलब हर समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आपको परवाह नहीं होती, और कभी आपके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि आप खाने के लिए ले सको। तो ना हर समय को समय के अकॉर्डिंग जीना सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सीखा हुआ है हम हर एक सिचुएशन में रह सकते हैं। हम अगर हमारे पास कुछ ना हो हम तब भी अपना घर चला सकते हैं। हमारे पास भगवान का यार सब कुछ है, तब भी हम अपना घर चला रहे हैं। तो मतलब हर इंसान को ना हर सिचुएशन में खुश रहना चाहिए और उसमें रहना सीखना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है अंजना ठाकुर का, आप सारा मेकअप एक साथ लेते हो? नहीं, हम एक साथ नहीं लेते अंजना जी। हम ना सारा जो मेकअप है ना थोड़ा थोड़ा लेते हैं। जैसे कभी हम बाहर जाते हैं मॉल, तो कोई फाउंडेशन पसंद आता है तो फाउंडेशन ले लेते हैं, कभी लिपस्टिक ले लेते हैं। साथ में मेकअप इसलिए नहीं लेते क्योंकि पता नहीं चलता, क्योंकि जब भी हम मेकअप लेते हैं ना तो हमें एक ब्रांड का मेकअप पसंद नहीं आता। हम अलग अलग ब्रांड में जाते हैं, किसी ब्रांड का ब्रश अच्छा है, किसी ब्रांड का लाइनर अच्छा है, किसी ब्रांड का फाउंडेशन अच्छा है, तो अलग अलग मेकअप लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कोमल अग्रवाल का, दी आप दोनों मेरे फेवरेट हो, मेरे यूट्यूब में केवल आपकी वीडियो देखती हूँ और मुझे आपके डेली मेकअप बहुत पसंद है। प्लीज दी आपका जी डेली मेकअप करते हो वो बताएं। आपने मैं रिप्लाई करके और प्रोडक्ट भी बताएं। आपने उस दिन जो वीडियो मेकअप का डाला था वो डेली मेकअप नहीं था। बिल्कुल सही बात है, वो डेली मेकअप नहीं था, वो एक पार्टी मेकअप या फिर ब्राइडल मेकअप के लिए जितना भी वो सारा सामान था वो ब्राइडल मेकअप के लिए जाता है। आप डेली रूटीन में इतना सारा मेकअप नहीं यूज कर सकते हो, और इतना जो कॉस्टली होता है वो भी नहीं यूज कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे अब ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं और पायल यही करेंगे, आने वाले 2 या 3 व्लॉग्स में आपको दिख जाएगा, हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ना डेली मेकअप करते, जैसे मॉल जाना हो या कहीं बाहर जाना हो उसका डेली मेकअप का एक छोटा सा ना ट्यूटोरियल देंगे आपको, ताकि आपको समझ भी आ जाए रीजनेबल प्रोडक्ट के साथ। तो नेक्स्ट कमेंट है SS जन्नत का, विच ऑयल इज गुड टू अप्लाई ऑन फेस? दीदी आई नेवर यूज बिकॉज आई एम लिटिल ब्लैक एंड हैव ऑयली स्किन। आफ्टर सीइंग यू गाइज आई एम ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट यूजिंग, प्लीज रिप्लाई। अभी क्या है गाइज, जो हम यूज करें ना कलर बार का ऑयल यूज करें, बट इससे पहले जो मैंने एक ऑयल मंगवाया था ना पायल को बहुत ज्यादा पसंद था, पैक का जो हमारा खत्म हो गया था, पैक का ऑयल था PAC, तो वो भी ऑयल बहुत अच्छा था। इंडोलजो का भी जो ऑयल है रोज गोल्ड ऑयल, वो भी हम यूज कर चुके हैं बहुत पहले से, अच्छा करते आ रहे हैं वो भी, मतलब ठीक है। बट सबसे बेस्ट जो ऑयल है ना पैक का लगा और कलर बार का लगा। लेकिन तो आप जैसे कि बता रहे हैं आपका ऑयली स्किन है, ऑयली पे ऑयली फिर वो ज्यादा वो हो जाएगा, तो आपको शायद ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। बाकी एक बार आप ऑयल यूज करके देख लेना, आप नॉर्मल अगर आपके घर में कोकोनट ऑयल होगा तो उसे एक बार यूज करके देखना, अगर उससे जो है आपका मेकअप जो है वो टिक जाता है, बाद में वो ऑयली ज्यादा स्टिकी ना दिखे, तो आप ऑयल यूज कीजिए। अदरवाइज जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं वही कीजिए, क्योंकि क्या होता है ऑयली स्किन पे अगर हम ऑयल यूज करेंगे ना पिंपल्स भी हो सकते हैं, तो ये चीज आप अवॉइड करना। तो नेक्स्ट कमेंट है मेहंदी ट्यूटोरियल बाय अपिका, चीकू बहुत किस्मत वाला है, जो वो नहीं होना था तब आप गरीब थे। अच्छा, जब वो नहीं हुआ था तब आप गरीब थे, जब वो पैदा हुआ तब से आपके जेब कभी खाली नहीं रही, वो अपनी किस्मत आप लेकर आया है। ये बात तो बिल्कुल सच है, बच्चे अपनी किस्मत खुद लेकर आते हैं। देखो चीकू के टाइम पे ना थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही थी, बट पायल ने वो दिक्कतें कभी चीकू को शो नहीं करी, चीकू के लिए कभी भी कोई कमी नहीं करी। चाहे पायल के पास बहुत प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, चीकू के पापा के पास भी प्रॉब्लम थी, मैं नहीं थी उस टाइम पे जब चीकू बहुत ज्यादा छोटा था, बट मेरे को हर एक चीज पता है। पायल ने जितना हो सका उसे एक अच्छी परवरिश दी, अच्छी चीजें यूज करी, हर एक वो चीज लेकर आई जो पायल का ख्वाहिश थी ना कि मैं बच्चे के लिए करूं, चाहे वो एक टेबल होता है जिसमें बच्चा खाना खाता है, कोई भी टॉय होता है, हर एक चीज लेकर, मतलब जो चीज मेरे बचपन में मैंने नहीं देखी, और मेरे बचपन में या मेरी बहनों के बच्चों ने भी नहीं देखी ना, वो चीजें मैंने चीकू के लिए उस टाइम पे भी की थी। नेक्स्ट कमेंट है खुशी आर्या का, गोलू जी आपको 8 मंथ में घी नहीं खाना चाहिए, 9 मंथ में खाना चाहिए, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये बात मेरी मम्मी ने बताई है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप खुशी जी, क्योंकि ऑयल हम 6, 7, 8 मंथ में नहीं खाएंगे। अगर हम ऑयल खाएंगे तो जो बच्चा है ना वो स्लिप हो जाएगा। तो हमेशा जब भी 9 मंथ आपका होने वाला होता है ना, तब आप
आपको ऑयल खाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो चिकनाहट बनने लग जाती है पेट में और वो नॉर्मल डिलीवरी के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट कमेंट है कीर्ति राहुल शर्मा का, जैसा चीकू ने टिकट वाले अंकल को बोला मैं 7 ईयर्स का हूँ, ऐसा मेरे ब्रदर ने बस में टिकट लेने वाले अंकल को बोला था। मैंने मना करने पर भी बच्चों को जेस के लिए मना करो वो जरूर करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच बात है, बच्चों को जिस चीज के लिए मना करो वो बात जरूर करते हैं। कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाती है, हम चीकू को बोलते हैं चीकू ये बात नहीं बोलनी, चीकू बाहर जाके वो बात बोल देते हैं। तो ऐसे हर एक घर में होता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, सबके ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट कमेंट है शीतल कदम का, बेड पर मत खाना खाया करो। बिल्कुल सही कह रहे हो, बेड पर खाना मत खाया करो। पर कभी कभी ना हमारा हो जाता है, हम जहाँ बैठे होते हैं ना टीवी के पास, तो हम वहीं पे खाना खा लेते हैं। नहीं वैसे तो हम मोस्टली दोपहर का खाना यहाँ पे खाते हैं, बट क्या होता है कभी कभी अंदर बैठे होते हैं ना तो फिर मन नहीं करता उठने का। सुबह सुबह की ज्यादातर सुबह ही खाते हैं बेड में, सुबह सुबह हमारे साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट कमेंट है कुमिता देवी का, गोलू इज सो स्वीट सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है चाहत विज का, चीकू का हेयर कट करवाओ, उसका मुंह तक नहीं दिखता। जी बिल्कुल नहीं करवा सकते, आई एम सो सॉरी, क्योंकि चीकू के पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया है। चीकू के पापा की मतलब ड्रीम है चीकू के हेयर ना, सेम टू चीकू जैसे हेयर चाहते हैं, और उनको इतना प्यार है चीकू के हेयर से कि वो उन्हें कटवाने का सोच भी लिया ना तो वो तो गाइस ऐसा नहीं हो सकता है। एक सेकंड तो हम क्या करेंगे, देखो अभी क्या सर्दी है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो चीकू की ना चोटी हो रही है, तो चीकू की चोटी यहाँ पे हो रही है, तो अभी थोड़े टाइम की बात है, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने की बात है, तो चीकू के जो आगे वाला फ्रंट बाल है ना वो बिल्कुल पीछे जाएंगे। तो अगर हम इस चीज का बस थोड़ा सा वेट है, अगर अभी बाल कटवा दिए ना तो वो जो मेहनत है ना हमारी वो खराब हो जाएगी। तो कुछ टाइम में जब चीकू के बाल पीछे होंगे ना तो बहुत ही क्यूट लगेगा। तो बस आज का जो वीडियो है यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बाय बाय।